बीजेपी नेता वो बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं रही। बीती रात गोवा में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद पूरी इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा है। उनके लाखों फैंस सदमे में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। कहा जा रहा है कि वो अपने स्टाफ के कुछ सदस्यों के साथ गोवा गई थी और वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली। सोनाली इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं। 12 घंटे पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड की जिसमें वो एकदम हेल्दी और खुश दिखाई दे रही हैं। सोनाली को देखकर लगता ही नहीं कि उन्हें कोई हेल्थ संबंधित परेशानी होगी। 42 साल की सोनाली राजनीति में भी काफी एक्टिव थी और वो बिग बॉस में भी नजर आई थी। सोनाली फोगाट का जन्म 21 सितंबर 1979 को हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ था। सोनाली फोगाट ने टिकटॉक स्टार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा सोनाली फोगाट ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। भाजपा महिला मोर्चा की वर्किंग कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट सोनाली फोगाट को एक्टिंग का काफी शौक था। वो शुरू से एक अदाकारा बनना चाहती थी। उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। इसके अलावा सोनाली हिसार दूरदर्शन में एंकर भी रह चुकी है। सोनाली ने साल 2006 में अपने करियर की शुरुआत हिसार दूरदर्शन से एंकरिंग में की थी। फिर 2 साल बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, वो भी पति के कहने पर। तभी से वो पार्टी की एक्टिव मेंबर हैं। सोनाली के पिता किसान हैं, जबकि सोनाली के अलावा उनके घर में उनकी 3 बहनें और 1 भाई हैं। अपनी बहन के देवर से ही सोनाली की शादी हुई थी। सोनाली की एक बेटी भी है जिसका नाम यशोधरा फोगाट है, जो कि हॉस्टल में रहती है। सोनाली तब चर्चा में आई जब उनके पति संजय की फार्म हाउस में मौत हो गई थी। हालांकि उस वक्त सोनाली वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए उनके पति की मौत भी रहस्य बनकर रह गई। पर्सनल लाइफ ही नहीं, अपने विवादों को लेकर भी सोनाली चर्चा में रही। साल 2020 में एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें सोनाली फोगाट एक अधिकारी को चप्पल से मारती हुई नजर आ रही थी। इसके अलावा वो अपनी बहन और बहनोई के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा चुकी थी। उनका आरोप था कि वो दोनों ही सोनाली को टॉर्चर करते थे। हंगामा तब भी हुआ जब सोनाली ने 8 अक्टूबर 2019 में हिसार के एक गांव में रैली के दौरान लोगों से भारत माता की जय के नारे लगाने को कहा था। उस वक्त सोनाली ने भड़काऊ भाषण दिया कि जो लोग नारे नहीं लगा रहे हैं वो निश्चय ही पाकिस्तान से हैं। जिसके बाद सोनाली को माफी भी मांगनी पड़ी थी। फिलहाल हम सब यही दुआ करते हैं कि सोनाली की परिवार को भगवान हिम्मत दे ताकि वो इस दुख भरी घड़ी में खुद को संभाल सके। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।